एक बौद्ध बिच्छू भोजन बनाने के लिए जंगल से लकड़ियां चुन रहा था। तभी उसने कुछ अनोखा देखा। उसने एक बिना पैरों वाली लोमड़ी देखी जो ऊपर से स्वस्थ दिख रही थी। उसने सोचा कि आखिर इस हालत में भी यह लोमड़ी जिंदा कैसे है। वह अपने विचारों में ही खोया था कि अचानक से हलचल होने लगी। जंगल का राजा शेर उस ओर बढ़ रहा था। वह बिच्छू भी एक ऊंचे से पेड़ पर चढ़ गया और वहां से देखने लगा। शेर ने एक हिरण का शिकार किया हुआ था और उसे अपने जबड़े में दबाकर लोमड़ी की तरफ बढ़ रहा था। उसने लोमड़ी पर हमला नहीं किया बल्कि उसे खाने के लिए कुछ मांस के टुकड़े भी दिए। बिच्छू यह देखकर और भी आश्चर्यचकित हुआ कि शेर लोमड़ी को मारने के बजाय उसे भोजन दे रहा है। उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था, इसलिए वह अगले दिन भी वहां पर गया और छिपकर शेर का इंतजार करने लगा और आज भी वैसा ही हुआ। यह सब देखकर बिच्छू बोला कि यह भगवान के होने का प्रमाण है। वह जिसे पैदा करता है उसके लिए रोटी का इंतजाम भी करता है। आज से इस लोमड़ी की तरह मैं भी ऊपर वाले की दया से जीऊंगा, वही मेरे लिए भोजन की व्यवस्था करेंगे। यही सोचकर वह एक वीरान जगह पर बैठ गया। पहला दिन बीता, कोई नहीं आया। दूसरे दिन कुछ लोग आए पर किसी ने भिक्षु की ओर ध्यान नहीं दिया। धीरे धीरे उसकी ताकत खत्म होने लगी। वह चल फिर भी नहीं पा रहा था। तभी एक महात्मा वहां से गुजरे और भिक्षु के पास पहुंचे। बिच्छू ने अपनी पूरी कहानी महात्मा को सुनाई और बोला, आप ही बताएं कि भगवान मेरे प्रति इतना निर्दयी कैसे हो सकता है? किसी को इस हालत में पहुंचाना क्या पाप नहीं है? महात्मा जी ने कहा, हाँ बिल्कुल पाप है, लेकिन तुम इतने मूर्ख कैसे हो सकते हो? क्यों नहीं समझते कि ईश्वर तुम्हें उस शेर की तरह बनते देखना चाहते हैं, ना कि उस लोमड़ी की तरह? जीवन में भी ऐसा ही होता है। हमें चीजें जिस तरह से समझनी चाहिए हम उसके विपरीत समझ लेते हैं। हम सभी के अंदर कुछ न कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो हमें बहान बना सकती हैं। जरूरत है उन्हें पहचानने की और यह ध्यान देने की कि हम शेर की जगह कहीं लोमड़ी तो नहीं बन रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि लग्जरी टेल्स की यह वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।